अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिनों के बाद वादी नारान कागान की रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में हम आपको नारान की लेटेस्ट अपडेट देंगे कि जो ही सितंबर का महीना ख़त्म हुआ और अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, और अक्टूबर का महीना आते ही वादी नारान का बाज़ार वीरान पड़ गया और वादी नारान कागान का रोड भी वीरान पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जीपें वगैरह ही दिखाई देगी और इक्का दुक्का टूरिज़्म गाड़ी आएगी और यहाँ पर रोड की सूरत हाल बिल्कुल नाकस है। और ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये दरअसल झील रोड है और इस पर मैं अभी मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं इसकी सूरत हाल। ये यहाँ पर कितना रश हुआ करता था, लेकिन इन दिनों में झील रोड भी बिल्कुल वीरान पड़ गया है और यहाँ पर जीपें वगैरह भी काफ़ी कम हो गई हैं। और जैसा आपको मालूम है कि अक्टूबर के महीने में नारान वीरान पड़ गया है, और आपके माइंड में ये सवाल गूंजते होगा कि आखिर नारान क्यों वीरान हो गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि नारान के होटल्स क्यों बंद हो रहे हैं, रोड क्यों वीरान है। तो और जैसा आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर होटल क्यों बंद हो रहे हैं, तो मेन वजह यही है कि जैसा कि रोड वीरान हो रहा है तो बाज़ार भी वीरान, वादी नारान का गान भी वीरान और होटल्स भी बंद होंगे। और यहाँ इसकी वजह ये भी है कि सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि कोई भी बंदा बाहर स्वेटर या कंबल के बगैर नहीं जा सकता, क्योंकि इंतहाई सर्दी हो गई है और सुबह और शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी हो रही है इन दिनों में, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है इन दिनों में। कुछ मालूम नहीं कि कब बर्फ़ पड़ जाए और सीज़न एंड हो जाए, और इससे अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि सीज़न अब एंड ही होने वाला है। और अगर आपका प्लान बनता है आने का तो दिन काफ़ी प्यारे हैं इन दिनों में, आप आएँ, आपको रोड की सूरत हाल ठीक मिलेगी, होटलों के रेंट में काफ़ी कमी आ गई है, होटल्स वगैरह में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप आना चाहते हैं तो ये लास्ट वीकेंड है, इस पर आप आ जाएं तो क्या मालूम कि कब नारान बंद हो जाए। और इस चैनल पर मैं आपको नारान कागान के रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस देता रहता हूं और साथ में आपको खूबसूरत खूबसूरत जगहों का ट्रैक भी कराता हूं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आप आइंदा आने वाली अपडेट से कासर न रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने दा खुदा हाफिज़।